इतनी दुकानों का कंपटीशन है। रामदेव की आयुर्वेद आने के पहले डावर भी था, धूप पापेश्वर भी था, बैजनाथ भी था, झंडू भी था, न जाने कितने ब्रांड की आयुर्वेदिक दवाई बिकती थी। बिकती थी कि नहीं बिकती थी? दिखती थी, दिखती थी सबको बीट करके आगे बढ़ गए कि नहीं पतंजलि को लेकर? जी। लेकिन वो तो धर्म का चोला पहन के राजीव दीक्षित के साथ ये तो आया। आपको मना किया, आपको मना किया किसी ने? आप भी कल सुबह से भगवा पहन लीजिए, बहुत साहस चाहिए होता है उसके लिए भी। जींस शर्ट उतार के भगवा पहन करके धर्म की बात करने के लिए भी साहस की जरूरत है। आप पहन पाएंगे? जवाब दीजिए, आप पहन पाएंगे? तो नहीं, हम तो नहीं पहन पाएंगे। फिर आप लोगों में कमी क्या है? जो सफल हो गया है उसकी सफलता नहीं देखेंगे, उसकी कमी निकाल कर, उसकी आलोचना करके, उसके प्रयास को हम नहीं कर पाएंगे, उसने कर लिया, इसलिए अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए उसको 20 जगह से गलत सिद्ध कर देंगे। रामदेव बाबा राजीव दीक्षित को बुलाने नहीं गए थे। राजीव दीक्षित की गरज थी कि उनकी कोई बात सुनता नहीं था, उन्हें बड़े प्लेटफॉर्म की जरूरत थी, इसलिए वो रामदेव के पास आए थे। और वो व्यक्ति की समझदारी ये है कि उसने 3 साल में राजीव दीक्षित को भी यूज कर लिया काम खत्म, और वो बेवकूफ थे जो यूज हो गए। हमारे भी पीछे पड़े रहे 8 महीने, हम तो नहीं फंसे उनके ट्रैप में। तो इसके लिए दोषी कौन है? जो यूज कर रहा है वो दोषी है, या जो अपनी मूर्खता में यूज हो जा रहा है वो दोषी? आप बताइए, खुद ही बताइए। सो जी, हम दोषी हैं जो हम यूज हो जा रहे हैं दूसरे के चक्कर में हो जा आपके। रहा है ना, तो आप दोषी हैं ना, तो बात यहीं पर आ जाती है। किसी को दोषी मत ठहराइए। अगर आपके साथ कोई भी छल बल कपट कुछ भी हो जाता है, तो उसके लिए आप अपने अंदर देखें कि मैं कहां चूक गया जो मैं फेल हो गया। और जिस दिन आप जी ये जी देख बिल्कुल, लेंगे कि मैं कहां चूक गया जो फेल हो गया, उसी दिन आप अपना इंप्रूवमेंट शुरू कर दें। और जब तक आप ये समझेंगे कि दूसरा गलत है, दूसरा धूर्त है, दूसरा बेईमान है, दूसरा मक्कार है, आज धूर्त बेईमान मक्कार लोग आगे क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि आप जैसे ईमानदार लोग काम नहीं करना चाहते। 17,500 योग कैंप लगाए रामदेव ने, आपने कितने लगाए? या अपने ही प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपने दुकान के बाहर निकल के कितने कैंप लगाए? नहीं एक भी जवाब नहीं दीजिए लगाए, बात पर। तो नहीं फिर एक दोषी भी आप नहीं। है ना, दोषी आप है ना, दोषी आप है। उस व्यक्ति की मेहनत भी तो देखिए, 17,500 कैंप लगा चुका है वो आदमी, तब जाके इतना बड़ा साम्राज्य दिखाई देता है। तारीफ नहीं कर रहा हूं मैं किसी की, और ना किसी की आलोचना कर रहा हूं। यहां पर डिस्कशन हो रहा है वर्किंग स्टाइल की। चलो रामदेव जी झूठ है, बेईमान है, मक्कार है, झूठ बोल दिए, सब कर लिए। टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में क्या कमी है जो आज विदेशी कंपनियों को खरीदते जा रहा है धाड़ 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 धाड़? उसमें कमी बताइए कि ये कमियां हैं, इसलिए वो सबको बेवकूफ बना के खरीदते जा रहे हैं और हम नहीं खरीद पा रहे हैं। वो तो किसी के तेल लगाने भी नहीं जाते रतन टाटा। इसलिए इस पर विचार कर, किसी को दोष मत दीजिए। किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि आप इस धरती पर किसी से पूछ कर पैदा नहीं हुए थे कि मैं पैदा हूं या ना हूं। पूछा था किसी ने आप लोगों में से कि मैं पैदा हूं या ना हूं? नहीं पूछा। तो अगर आप लोगों में से कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर बिना पूछे आया है, तो इस पृथ्वी पर सफल होने की जिम्मेदारी भी उसकी अपनी खुद ही है, दुनिया की नहीं।